सर। बोलो हाँ या ना। यस हेलो 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 बेटा, यस सर। आप लोगों का आवाज क्लियर आ रही है? ठीक यस है, चलो आज हमें क्या पढ़ना है मुझे बताओ। लास्ट क्या पढ़ा था हमने? सर बाइनोमियल में बायनोमियल पढ़ा था। अरे किसी ने वो वायर ला के नहीं दिया इसके कनेक्ट करने के लिए? अक्षय से ले लो यार, अक्षय के पास है। हेलो, कैन आई स्टार्ट भाई? हेलो, यस सर। चलो यस सर। स्टार्ट कर लेते हैं। बाइनोमियल पढ़ रहे थे हम। बाइनोमियल में हमने आई थिंक जो एनसीआर के रिलेशंस होते हैं वो भी फिगर आउट कर लिए थे, और बाइनोमियल टर्म्स के बारे में भी हमने बात कर ली थी जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, यानी थ्योरम को भी हमने फिगर आउट कर लिया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस उसके पहले थ्योरम ये कर लेते हैं किस तरीके से इवेल्युएट होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके ओके सर। स्क्रीन शेयर हो गई बेटा? स्क्रीन शेयर हो गई बेटा? यस सर। ठीक है, चलो बात कर रहे हैं। तो हमने बाइनोमियल पढ़ी थी, तो एक बार मैं बाइनोमियल आपको वापस से बता देता हूँ क्या थी और कैसे थी।
यार आज इसमें बायकॉम का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा तो फिर समस्या है। देखना सचिन वाला देखो वाला पेंटक जो है वायर ये वाली लगा दूंगा ले आओ वायर ये वाली लगा दूंगा ये खराब हो गया क्या ये बैंड बज गया इसका बाइनोमियल की बात कर रहे थे तो बाइनोमियल का जो हमने एक्सपेंशन ओपन किया था वो x प्लस a की पावर n ओपन किया था राइट और हमने इसको क्या ओपन किया था कि भाई x की पावर n हो और फिर यहाँ पर एन सी वन ए टू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और ए टू दी पावर वन उसके बाद एन सी टू एक्स टू दी पावर एन माइनस टू ए टू दी पावर टू प्लस प्लस और लास्ट में जाके क्या हो गया था एन सी एन हो गया था और यहाँ एक्स टू दी पावर जीरो हो गया था और यहाँ पर ए टू दी पावर एन हो गया था। क्या ये याद है आप लोगों को? यस सर। ओके तो ये एक्सपेंशन हो गया था। अब ऑब्वियसली बात है एक्सपेंशन जब हो गया था तो हमने यहाँ पे कुछ चीजें फिगर आउट की थी। हमने ये फिगर आउट की थी कि हर टर्म में यानी कि ईच टर्म मान लीजिए इस टर्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सम ऑफ कोफिशियंट क्या था बताओ सम ऑफ पावर बता दो एन तो वो एन के बराबर था। हमने ये भी बात कर ली थी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है तो वो आप लोगों ने मुझे बताई थी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है एन प्लस वन आ रही थी। ठीक है ये आपकी टर्म्स आ रही थी। ओके आगे बात करते हैं। हमने ये भी पता कर लिया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है ये हमने फिगर आउट कर लिया था। जो लास्ट टर्म होती है उसका भी हमने फिगर आउट कर लिया था कि जो लास्ट टर्म होती है सेकेंड टर्म जो होती है लास्ट वाली बिल्कुल उसमें भी मैक्सिमम पावर आ जाती है। ये सारी चीजें हमने फिगर आउट कर ली थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज बनता है कुछ क्वेश्चंस करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ और मेरे सामने क्वेश्चन दे दिया गया कि भैया 2 प्लस एक्स की पावर 5 को ओपन करो तो मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो पहली टर्म तो मैं 2 की पावर 5 लिख दूंगा और अगली टर्म लिख दूंगा 5 क्योंकि मुझे मालूम है 5c1 और यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और x की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से 5c2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 की पावर 3 और x की पावर 2। अगर आप सब जगह नोटिस करेंगे तो 5c3 हो गया ये 2 की पावर और कम हो गई तो 2 हो गई और ये x की पावर 3 हो गई। थोड़ा और बढ़ते गए तो ये 5c2 हो गया ये 2 की पावर 1 हो गया ये x की पावर आपकी 4 हो जाएगी और लास्ट में बिल्कुल 5c3 हो गया 2 हो गया ये 5c1 हो जाएगा और ये 2 की पावर 0 हो गया। यहाँ कुछ गड़बड़ है 4 3 2 1 4 3 2 1 यहाँ सही चल रहा है नीचे 1 2 3 और ये 4 ये कितना आएगा 4 आएगा तो ये 4 आ रहा है तो ये यहाँ पे 5 आएगा और 5c0 और ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 0 और x की पावर 5। यही सब था लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चल जाए पहली वाली टर्म का पूरा लगा देते हैं यहाँ पर n आ जाता है नहीं 5 ही आ जाता है 2 की पावर 4 को ऐसे ही रहने दो ये x हो गया। अब आपको मालूम है कि जब हम 5 की ओपन करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग नंबर आए होंगे तो वो नंबर मैं अभी थोड़ी देर में आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 factorial 3 factorial और ये 2 की पावर 3 और x की पावर स्क्वायर प्लस यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पर भी यही आएगा जो यहाँ पर आया था।
तो यहाँ 2 की पावर स्क्वायर और x की पावर क्यूब। 5c4, 5c4 की बात करोगे तो यहाँ भी 5 ही आएगा अगर आपको पता हो। नहीं पता हो तो अभी आपको मैं आइडिया दिला देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भी इतना ही आएगा। और यहाँ x की पावर 5 आएगा। अब मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, यहाँ पे 5 क्यों आया। एनसीआर हाँ, एमसीएन करेक्ट, माइनस आर शाबाश, बेहतरीन। यस सर पता तो है भैया यहाँ पे 5 इसलिए आया क्योंकि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, इस वजह से ऐसा आया। और यहाँ दोनों जगह मैंने क्यों लिखा इतना सेम, क्योंकि मैंने एक का फिगर आउट कर लिया था, मुझे यहीं से पता चल गया था कि एन सी आर बराबर होता है एन माइनस आर के, तो यहाँ भी ऐसे ही आ गया था 5c3 और 5c2, तो यही आता है। तो ये सारी चीजें फिगर आउट हो गई। तो ये 2 टू दी पावर 5 ऐसे ही रहेगा, ये 5 और ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, और ये x, ये कितना ओपन करोगे तो 5 4, 2 से कटेगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और ये इंटू 8 आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ भी ये 10 आएगा और ये 4 आ जाएगा, और ये एक्स की क्यूब हो गया। ये आपका 5 इंटू 2 x की पावर 4, और लास्ट में x की पावर 5। सो फाइनली व्हाट वी कैन से, 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 होता है, 16 पंजे 80 होता है, एक्स ये आपका 80 होता है एक्स स्क्वायर, और ये आपका 40 होता है, दैट इज एक्स की क्यूब प्लस 5 दूनी 10 x टू दी पावर 4, और फिर x की पावर 5। ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन आ गया 2 प्लस x की पावर 5 का, यानी जो फॉर्मूला ओपन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। ये क्लियर है सबको ये? यस हाँ सर भाई, ओके। थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रखना, किसी को भी क्लियर ना हो तो मुझे बिल्कुल मत बोलना, ठीक है? ओके सर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास, अब क्यों फोन कर रहे हो यार? मैंने मान लिया, यहाँ पे ले लिया ए प्लस 2 अपॉन x, ये ले लिया, और इसकी पावर है यहाँ पर मान लीजिए 4 है। तो अब आप थोड़ा बहुत सीख चुके हो, तो a की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, ये बात कन्फर्म है, और a की पावर 3 आएगा, और 2 अपॉन x की पावर 1 आएगा। उसके बाद अगले में बढ़ेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, जब यहाँ 6 आएगा तो यहाँ a की पावर 2 हो गया होगा, या 2 अपॉन x की पावर 2 हो गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो मुझे इतना तो मालूम है, टोटल जो है 5 टर्म आनी है, तो अगली जो है 4 आ जाएगी, और a की पावर 3 आ जाएगा, और 2 अपॉन x की पावर 4 हो जाएगा। बढ़ रही है ना ये पावर, और सॉरी 3 हो जाएगा, पिछली वाली में 2 था तो ये 3 हो गया, और लास्ट वाली में 2 अपॉन x की पावर 4 हो गया, बाकी सब खत्म हो गया। तो फाइनली दिस इज a टू दी पावर 4 प्लस 4 a टू दी पावर 3, और ये 2 अपॉन x प्लस 6 a स्क्वायर। ये इसी तरीके से एक्सपेंड करना है, और कोई मेथड नहीं होता। कहीं तो आप एक्सपेक्ट करो कि यहाँ कोई और मेथड होता होगा जिससे ये एक्सपेंड हो जाएगा, नहीं जनाब, कोई मेथड नहीं होता, इसी से करना है। तो फाइनली दिस इज a टू दी पावर 4 प्लस 8 a की क्यूब। यस, सर ये 4a³ होगा। कहाँ पर लास्ट में बताओ, लास्ट में ये यस सर पावर घट रही है ना इसकी, तो ये 2 हो गई, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ 4 होता तो 4 और 3 7 हो जाता, वो हिसाब किताब बराबर बैठता ही नहीं है। फिर यहाँ पर हो गया आपका 24a² x² और ये आपका हो गया 32a/x³, और लास्ट में 16/x⁴। तो ये आपका आ गया a/2/x⁴ का एक्सपेंशन। लेकिन मैं अब एक और क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिख दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/x, और यहाँ लिखा हुआ है x/2 की पावर 5, इसका एक्सपेंशन करना है मुझे। हालांकि 5 का एक्सपेंशन मैं करके आया हूँ, और मुझे याद हो गया है कि 1 आता है, 5 आता है, 10 आता है, 10 आता है, फिर 5 आता है, 1 आता है, ऐसे कुछ आता है ना। हाँ भाई यस सर ना, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीधा, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/x⁵5 + 5 1/x⁴ and x/2⁻¹ + 10 1/x³ and x/2⁻²। राइट, ये बढ़ती जाएगी पावर, उसके बाद 10 और 10 हो गया, एक और 10 हो गया, 1/x⁴ है, अब एक पावर और घटेगी इसकी, अभी यहाँ 3 हो गई हो थी, जाएगी। अभी ये 2 हो जाएगी, और ये x/2³ हो गया, और लास्ट
एक और चलेगा, पांच आएगा फिर से, वन अपॉन एक्स की पावर वन हो गया, और ये एक्स अपॉन टू की पावर आपका फोर हो जाएगा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एक्स बाई टू की पावर फाइव, राइट? So finally, what we can say, this is x to the power 5, and here we can say this is 5, and over here 1 upon x to the power 4 and x upon 2. Similarly, in this case, 1 upon x to the power cube and x to the power square upon 2. Similarly, 10 x to the power square and x to the power cube upon 2, and 5 upon x into x to the power 4 upon ये टू है. ऑब्वियसली बात, एक चीज यहाँ पर आप मिस कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, दे रहे हैं नहीं दे रहे आई डोंट नो, बट यहाँ पर देखिए टू की पावर वन थी तो इट्स गुड, बट टू की पावर यहाँ पर टू होगी, तो टू होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर आएगा, वाइल इन दिस केस दैट वुड बी एट. और जब हम इसकी बात कर रहे होंगे लास्ट वाले की, एक्स टू दी पावर फोर, यहाँ पर 16 आ जाएगा, सिमिलरली एक्स टू दी पावर फाइव, और यहाँ पर 32 आ गया होगा. तो फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ, दैट इज एक्स टू दी पावर फाइव, दिस इज 5 अपॉन 2 एंड x टू द पावर माइनस 3. मुझे बताना अगर आप लोगों को क्लियर हो तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो तो भी मुझे बताना कि सर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है. 10 अपॉन 8 x प्लस 5 बाई 16 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 32. क्लियर है या नहीं? क्लियर 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 है. समझ नहीं आता ना. अच्छा, तो आज समझ में आ रहा है? हाँ, मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा बाकी. चल ठीक है. और बाकी तो सब है, ईशांत है, दिवेश है, विशेष गोयल, सिद्धार्थ, शिखा, कृष्णा. कृष्णा आजकल रोज आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, कौन सी डोज दे दी मम्मी ने इसको. रवि, कृष्णा पीट दिया क्या मम्मी ने? पकड़ लिया आता है लेकिन बोलता नहीं है. अभी कहाँ हो? कह रहा है सर माइक में प्रॉब्लम है आज, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ. अभी तेरे माइक की प्रॉब्लम दूर करता हूँ, जा मैसेज कर रहा है मुझे. ले तेरे माइक की प्रॉब्लम ही दूर कर देता हूँ. उठा फोन, उठा उठा जल्दी से, पिक कर बेटा. कृष्णा कहाँ जाएगा बच के मुझसे? अब मैसेज मत लिख, मैं समझ गया कि छुट्टी पर आज. चल बुरा फंस गया. हाँ बुरा फंस गया, उधर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा है, मैंने इधर वीडियो लगा दी, अब पिक नहीं कर रहा, मैसेज कर रहा है. चलो तो ये आपको एक्सपेंशन आ गया कि कैसे कैसे इसको फिगर आउट करते हैं. ओके, थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं. मैं आपको ना इसको आगे एक चीज बता दूं, दैट इज कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल. डू यू नो व्हाट इज पास्कल ट्रायंगल? नो सर. अरे बोलो. नो सर. हेलो, कोई जानता है पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? पहली बार सुन रहा हूं इसको सर. नहीं पता. नो सर. सर इसी के लिए अभी रुको, एक मिनट, वॉइस पता नहीं क्यों कम आ रही है. अब बोलना, तुम्हें से कोई बोलना? यस सर. हेलो. हाँ ठीक है बाबा जी. कृष्णा मैसेज मत कर, रहने दे, मैं समझ गया तू नहीं आ रहा आज क्लास में. मत कर, टेबल पे ही हूँ, अभी मैं कॉल करूंगा फिर टेबल टूटेगी तेरी. तो पास्कल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं. पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? वैसे तो 11th क्लास जिन्होंने पढ़ी है पास्कल ट्रायंगल के नाम से उनको पता होगा. ईशा पता है बेटा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? नहीं सर. अच्छा चल कोई बात नहीं. इधर देखो, मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा, मैंने कहा कि a प्लस बी की पावर जीरो. अगर a प्लस बी की पावर जीरो है तो टर्म्स बताओ कितनी आएगी इसमें?
सर बन शाबाश वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया a प्लस b की पावर 2 अब टर्म्स बताओ कितनी आएंगी आएंगी हाँ हाँ ठीक आएंगी थ्री लेकिन कौन सी आएंगी एक वन आती है एक टू आती है और एक थ्री आती है अगर आप लोगों को याद हो फॉर्मूला ओपन जवाब करते हो yes, जिनको नहीं पता जैसे उसको नहीं पता होगा ये जो दूसरी वाली का है a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है a का स्क्वायर टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे एक वन आया है एक टू आया है और एक वन आया है तो उसी से मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि a प्लस बी की पावर क्यूब तो क्या होगा तो आप मुझे शाबाश वेरी गुड तो एक एक इधर आता है एक एक इधर आता है और एक तीन आता है और एक तीन आता है am I right? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ मैंने कहा कि अगर मैं a प्लस बी की पावर चार लिखूं तो आपको मालूम है एक एक इधर आता है एक इधर आता है फिर यहाँ चार आता है फिर यहाँ छह आता है और फिर यहाँ चार आता है क्या याद है आप लोगों को yes, sir. आप देखो काम अब काम की चीज देखो काम की चीज क्या है जब मैंने इसको और इसको ऐड किया तो ये बना जब मैंने इसको और इसको ऐड किया तो ये बना इसका मतलब इसको और इसको ऐड किया तो ये बना इसको और इसको ऐड किया तो ये बना इसको और इसको ऐड किया तो ये बना। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि a प्लस बी की पावर 5 तो आप मुझे आसानी से बता दोगे सब बता दोगे कि सर एक वन आप इधर लगा दीजिए एक वन इधर लगा दीजिए इन दोनों का सम यहाँ लिख दीजिए यस सर आ गया समझ में तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूं तो आप कहोगे सर 1 1 6 15 20 15 6 ठीक अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी a प्लस बी की पावर 7 तो 1 1 7 15 6 21 35 ठीक है और ये 35 और ये 21 और ये आपका 7 ठीक है क्लियर हो गया यस सर ठीक है आप मुझे बोलना ठीक है मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि अगर a प्लस बी की स्क्वायर हो तो क्या आता है तो आप कहोगे सर 1 2 1 लेकिन मैंने कहा कि सर अगर a प्लस बी की पावर 3 हो तो क्या आएगा तो आप कहोगे 1 3 3 1 मैं क्यों लिखा रहा हूँ इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चन इजीली 1 4 6 4 1 राइट और अगर a प्लस बी की पावर 5 आ जाए तो क्या होगा 1 5 10 10 5 और अगर तो 1 भी आएगा ना हाँ, और अगर 6 आ जाए तो क्या आ जाएगा 1 6 6 6 फिर उसके बाद 15 20 20 15 6 और 1 6 और 1 और लास्ट a प्लस b की पावर 7 आ जाए तो 1 7 7 35 21 21 आएगा 21 35 35 21 7 1 ठीक है yes, sir. तो आगे से जो ये सामने जो चीजें आएंगी ये आप सीधा लिख पाओगे yes, sir. तो एक दो बार इसको लिख के रिवाइज कर लेना आपको हो जाएगा मैं क्वेश्चन डाल दे रहा हूं याद हो गया हाँ याद हो गया बस काफी है सबसे ज्यादा ऊपर कहीं जाएगा नहीं है ठीक है इतने में काम चल जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैंने लिखा है यहाँ पर एक्स अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर मान लीजिए 6 लिख दिया तो मुझे एक चीज तो कंफर्म है वो ये कंफर्म है कि भाई यहाँ पर x अपॉन 2 की पावर 6 आएगा दूसरी चीज कंफर्म है 6 आएगा और x अपॉन 2 की पावर 5 आ जाएगा और 3 अपॉन x स्क्वायर की पावर 1 आ जाएगा 6 के बाद आपको मालूम है यहाँ पर 15 आएगा यस सर ठीक तो x अपॉन 2 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 3 अपॉन x स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा ठीक है यह 2 हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 15 के बाद 20 आएगा यस सर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये 3 अपॉन x स्क्वायर की पावर 3 हो गया उसके बाद फिर से 15 आ जाएगा। अच्छा ये कैसे पता चलेगा देखो 6 है नंबर 6 है तो इवन नंबर है इवन नंबर में ऑड टर्म्स आएंगे
और टर्म्स आएंगी तो ये आपका ऑड वाला हो गया, बाकी जो यहाँ पर आया है वही पीछे आ जाएगा फिर। तो x अपॉन टू की पावर टू हो गया और थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर फोर हो गया। उसके बाद प्लस 15 के बाद फिर छह आ जाएगा, x अपॉन टू होल इस बार वन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर पांच हो जाएगा, शाबाश। और ये लास्ट में इसकी पावर सिक्स हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया x की पावर 6 और नीचे कितना हो गया 64 64 yes, sir. ये 6 है। अब थोड़ा ना दिमाग से कैलकुलेशन करते हैं, दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर जो है 9 आएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को, और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, क्या आप समझ पाए इस बात को? हाँ सर। ठीक है, अगली टर्म को लिखेंगे हम, तो 45 बटे 2 आएगा, ठीक, या कुछ और आएगा सर? यही सर। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, मल्टीपल आएगा 9 से, तो 3 से मल्टीपल आएगा, 3 और आ जाएगा। ठीक है, तो 45 इंटू 3 अपॉन 2 आ गया, और x की पावर 4 है, और x की पावर 4 है, इसका मतलब x की पावर कितनी आ गई, 0। समझे बात को सर? सेकंड में 2 की पावर 5 आएगा तो अपॉन में 3 से आएगा, समझ में नहीं आ रहा सर। 8 से मल्टीप्लाई तो होगा सर, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे। सेकंड वाली टर्म कर रहे हो? हां सर, हमने गलत लिखी है। अच्छा देख लेते हैं अभी। 6 ही आएगा, 3 ही आएगा, 2 ही आएगा, तो इससे इसको काट दिया, तो 3 3 9 और x की पावर 5 है और ये x की पावर 2 है, तो x की पावर 3 है। लेकिन तो x / 2 के ऊपर 5 की पावर ले तो सर उसका ब्रैकेट खुलेगा ना पहले, तो अगर मैं इसकी बात करूं, सेकंड टर्म की बात करूं, तो ये है आपका 6, 3 और 32, ये है ना, और ये x की पावर 3। क्या चीज, चाय एक रखी है बस, ज्यादा नहीं पी जाती। ये आपका 15 है, ये अगर आप देखेंगे तो 16 है, ये आप देखेंगे तो 9 है, और अगर इसकी बात करें तो x की पावर 0 है। यहाँ बात करेंगे 20 है, ये 8 है, ये 27 है, और 3 दूनी 6, और ये x की पावर माइनस की 3 है। क्या क्लियर हुआ? क्लियर है? यस सर। 15 है, 4 है, और ये 3 की पावर 4 है, और x की 2 और x की 8 यानी कि माइनस की 6 है, प्लस 6 अपॉन 2 इंटू 3 की पावर 5 और x की पावर माइनस की 9 और लास्ट में 3 x की पावर माइनस की 12। क्लियर है? ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों? यस सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में होंगे, वो आप कर लेने हैं, मैं भी बहुत सारे लिख दूंगा, अभी लिख दे रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना तुम लोग। ठीक है, मैं इन पे ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा सर? ऑड वाले में माइनस लगा दे बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, माइनस को देख के घबराना, ठीक है सर? एक बार पीछे वाले सर से दिखा दो। तो मैं ये पीपीटी देता नहीं हूँ क्या? नहीं सर, साथ के साथ लिखोगे? साथ के साथ लिखोगे, चलो साथ के साथ लिख लो, क्या दिक्कत है। लिख लो साथ के साथ, हम फिर अगला टॉपिक करते हैं। ठीक है, डन। जनरल टर्म सर, जस्ट अभी बंद किया, खुला हुआ था, कुछ बात है इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाइनोमियल टर्म हो गई, एक्सपेंशन हो गया, हालांकि अभी इसमें हम क्या क्या चीजें फिगर आउट करते हैं वो हमने बात की थी, लेकिन मैं कुछ एक बातें कर लूँ आपसे
और याद दिला देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में ये भी लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने लिखा था कि सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू और सी एन, दैट इज, बताओ किसके इक्वल था ये? टू टू दी पावर एन। सावास, टू टू दी पावर एन। फिर हमने लिखा था सी जीरो सी टू सी फोर प्लस प्लस, और ये किसके बराबर था? टू टू दी पावर एन माइनस वन। सावास। फिर तीसरा एक और लिखा था सी वन सी थ्री सी फाइव, और लास्ट में हमने क्या लिखा था? टू टू दी पावर एन माइनस वन। करेक्ट है? यस सर। ठीक है, मैं कुछ एक चीजें यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ जो आपको काम आएंगी, और हम इसको कभी वो भी कर लेंगे, वैसे आप भी कर लोगे, जैसे कि बाइनोमियल जो है यूजुअली कहते हैं कि नेगेटिव नंबर के लिए नहीं होती लेकिन होती है, तो मैं वो पॉइंट यहाँ रेड कलर में लिख रहा हूँ कि अगर कहीं पर आपको 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 दिखाई दे जाए तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5। समझ में आ गया रिदम आपको? रिदम समझ में आया? सर आ गया, है ना? Yes. तो इस तरीके से आप चल सकते हो, जहां जहां आपका ऑड होगा वहां वहां आप माइनस साइन लगा सकते हो, अप टू कहां तक? इनफिनिटी तक। तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से ही चलता रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी जगह पर ऐसा कुछ आ जाए, अगर माइनस आ जाता यहाँ पर ऐसे होता तब क्या होता बताओ? तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये सारे पॉजिटिव हो जाते इस बार। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई ऊपर वाला ही तो है सेम। ठीक है, और छठी बात, आखिरी बात, अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला जैसे लिख दो बस 2 आ जाएगा वहां पर, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x की क्यूब, इस तरीके से ये ओपन होता रहेगा अप टू इनफिनिटी। और अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 आ जाए तो आप समझ गए हो कि क्या लिखना है। ऑल पॉजिटिव। हाँ, ऑल पॉजिटिव, लेकिन कहाँ तक है? इनफिनिटी तक मामला चल रहा है। अब मैंने क्यों बताया, इनकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। पहले एक चैप्टर होता था एक्सपोनेंशियल वाला, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, उसमें हम ये कराते थे, लेकिन अब होता नहीं है तो हम कराते नहीं, लेकिन मल्टीनोमियल है ये, जो इसी में कहीं ना कहीं आ जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन रखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं इसको। कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं पर लिखा हो सी जीरो अपॉन वन प्लस सी टू अपॉन वन या थ्री प्लस सी, एक तो नोट्स भी इतने गंदे बनाए हुए हैं, सी फोर अपॉन फाइव और सी सिक्स अपॉन सेवन प्लस 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 इक्वल टू, और आपको प्रूव करना है कि ये टू टू दी पावर एन अपॉन एन प्लस वन के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ऐसा कुछ दिया है। तो कैसे करें इसको प्रूव? देखो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, जब पहला क्वेश्चन होता है तो दिमाग में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, ठीक? तो हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन करा दूंगा तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इस ये जो n प्लस वन है ना, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, तो किसी को इस बात से अगर कोई एतराज है तो मुझे आज बोल दो, कल मत कहना कि एतराज था, जल्दी बोलो कोई एतराज है किसी को? तो नो सर। फिर ठीक, तो ये n प्लस वन हर जगह पर आ गया, सी टू थ्री एन प्लस वन सी फोर अपॉन फाइव एन प्लस वन सी सिक्स अपॉन सेवन प्लस 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 और ये टू टू दी पावर n। एक बार बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सी जीरो कहीं लिखा हुआ उसका क्या सेंस है, क्या मीनिंग है उसका? कहीं अगर सी जीरो लिखा हुआ है तो उसका कुछ मीनिंग, कुछ सेंस कुछ है क्या? वन, ठीक है। तो कैन आई राइट दिस एज एन प्लस वन अपॉन वन, यस और नो? यस सर।
शाबाश। अब मुझे ये बताओ कि ये एन प्लस वन लिखा हुआ है, ये सी टू थ्री है, इसको क्या लिख लूं? सी टू ऐसे है, मान लो सी टू, तो मान लीजिए ऊपर एन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है भैया, टू की पावर एन दिख रहा है तो मुझे मालूम है एन रहा होगा, तो ये एन सी टू रहा होगा, तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस टू फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल ऐसा कुछ रहा होगा, और अगर थोड़ी मेहनत की होगी तो एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल हो गया होगा, अपॉन में टू फैक्टोरियल रहा होगा, और ये एन माइनस टू फैक्टोरियल रहा होगा, इससे ये कैंसिल हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, एन एन माइनस वन यही बचा, और अपॉन में टू फैक्टोरियल बचा। यस और नो में आंसर दो। यस सर। अब मुझे एक बात और बताओ, यहाँ पे एक थ्री और लिखा हुआ था, है ना ये थ्री? थ्री फैक्टोरियल। हाँ, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये थ्री फैक्टोरियल हो गया, यानी एन एन माइनस वन अपॉन में थ्री फैक्टोरियल हो गया। अब थोड़ा और ध्यान दो कि मैं अगर ये चीज यहाँ पर लिख दूं तो ये यहाँ पे आ जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, ठीक है? तो ओवरऑल व्हाट आई कैन से, एन प्लस वन एन एन माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो इसका मतलब रिदम पकड़ो, सबसे पहले n प्लस वन था, फिर n प्लस वन n n माइनस वन अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, अगला क्या है? दो कम हो गए, दो टर्म्स कम। हाँ, तो n प्लस वन, अगला बोलो क्या होगा, n n n माइनस वन n माइनस टू और n माइनस थ्री फैक्टोरियल, अरे वाह, और अपॉन n माइनस टू, शाबाश, n माइनस थ्री अपॉन में फाइव फैक्टोरियल, और ये इसी तरीके से चल रही है कहानी, टू टू दी पावर n साइड में लिखा हुआ है। अब मेरी आखिरी बात का जवाब देना, बिल्कुल आखिरी बात का, क्या मैं यहाँ पे भी फैक्टोरियल लगा दूं अगर ऐतराज ना हो तो? नो सर। इससे लगा दूं, लगाऊं या नहीं लगाऊं? नो सर किस लिए है? लगा दो सर। अरे सर, आपने ऐतराज दे तो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या इस वाली चीज को, ये जो यहाँ पर रणवाकुरा बैठा हुआ है, इस को उठा के यहाँ पर इस तरीके से ठसक दें? यस सर। लिख सकते हैं ऐसा ऐसा? Yes or no? सोच समझ के बताओ भाई, इसको ओपन करेंगे वापस यही आएगा ना? तो अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये वाला क्या रहा होगा, ऐसा? बोलो yes or no? ये कैसे आया? ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत ही अत्यंत खूबसूरत है। तुम खुद सोचो कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं सर, लेकिन सोच समझ के बताओ आराम से। देखो n प्लस वन है तो n प्लस वन ऊपर आएगा, नीचे थ्री फैक्टोरियल आएगा, और n प्लस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल आएगा। यस और नो? अच्छा सर, आ गया आ गया। ये n और ये n माइनस वन और ये n माइनस टू और n माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा होगा, n माइनस टू बचा होगा, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ये n माइनस टू फैक्टोरियल और ये थ्री फैक्टोरियल, इससे इसका अंतिम संस्कार देखने, यही तो था? यस सर, आ गया। तो इसका मतलब अगले वाला क्या रहा होगा, फाइव? यस और नो? सर आ गया। आ गया, चलो अब अच्छी बात सुनो, हम कहीं पर सीख के आए थे, हम क्या सीख के आए थे कि कहीं लिखा हो एन सी वन एन सी थ्री एन सी फाइव ऑड वाले लिखे, टू टू द पावर एन माइनस वन। हाँ, तो हम ये सीख के आए थे, ये सीख के आए थे। यहाँ पर एन की जगह पर कौन मिला हमें, यहाँ पर एन की जगह पर एन प्लस वन मिल रहा है तो, लेकिन ये भी ऑड ही में, वन थ्री फाइव सेवन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टू एन की जगह पर एन प्लस वन माइनस वन, क्या आ गया, टू टू दी पावर एन आया कि नहीं आया? यस सर। इस वाले से मैच, इस वाले से मैच हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो दैट्स इट, खत्म हो गया ये, ठीक है, चलें आगे। किसी भी देवी सज्जन को अगर ये क्वेश्चन अभी भी समझ ना आया हो तो लेट मी नो। हाँ भाई, सबको आ गया? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये स्लाइड खत्म हो गई, ऐसे कैसे?
कर लिया हमने और स्लाइड्स। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछना है सही? हाँ भाई, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं, तुम लोग करके दिखाओगे? यस यस सर। चलो दे दिया। क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन तो कौन सा था, सात था, आठवां दे रहा हूँ। स्क्रीन तो डिस्प्ले हो रही है ना? यस सर। यस सर। आठवां क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में मैंने दिया वन अपॉन वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड एन माइनस थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, इस तरीके से लिखा हुआ है। और आपको इसको प्रूव करना है कि भाई ये आएगा टू टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन में एन फैक्टोरियल। तो देवियों सज्जनों बताओ, सोचो समझो क्या करें। ये रहा क्वेश्चन, प्रूव दैट लिख दे रहा हूँ, पीटी लिख दे रहा हूँ पीछे। सही से सर, n फैक्टोरियल को उधर ले जाएंगे और सही सबको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं n c1 n c3 n c5, जो कि सर 2 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। आप कौन, दिवेश बोल रहे हो, कौन बोल रहे हैं? सर ये सिद्धार्थ है, पर मैंने कर लिया था। अच्छा। सर मुझे आ गया था समझ, देखते हैं। तो आपने इस पार्टी को इधर ले गए? यस सर। यस सर। देखो जो बिल्कुल ऐसा बच्चा होगा ना, बिल्कुल जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ये, वो समझ गया होगा यहाँ पर तुरंत। सर देखते ही समझ में आया सर, यस सर, ये वन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सर ये आ रहे हैं और एन माइनस आर हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एन सी वन, ठीक। यस सर। ये क्या हो गया एन सी थ्री और ये क्या हो गया एन सी फाइव, ठीक। और ये सब ऑड नंबर है तो टू एन माइनस वन यही होता है कि नहीं होता? Yes, क्या बचा था, टू की पावर एन ही बचा हुआ था, ठीक। दैट्स इट, खत्म हो गया, समझ आया? Yes, yes, चलो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा और करते हैं क्वेश्चन, आठ के बाद नौवा कर लेते हैं। मैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन है कि वन प्लस सी जीरो अपॉन सी वन एंड वन प्लस सी वन अपॉन में सी टू कितना होगा, फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम सिंप्लीफाई करने का। एक बात बताइए, एन सी जीरो कितना होता है? वन। एन सी वन कितना होता है? एन जीरो। एन सी एन कितना होता है? वन। ठीक है, अगर इतना पता है सर ये भी हो गया। हो गया तो वेरी गुड, तुम्हें इसी बात पर मिलेगा पद्मश्री। क्या मिलेगा? पद्मश्री। ये तो ऐसा हो गया, दूसरी वाली साइड में गए हम, तो दूसरी वाली साइड में अगर हम गए तो ये वन है एन सी वन, ये एन हो जाएगा, ये बात मालूम है आपको? यस सर। और नीचे वाली पार्टी एन सी टू, अगर कोई आपसे कहेगी एन सी टू को ओपन करो, आप क्या करोगे? एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, ऊपर तो ऐसे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टू फैक्टोरियल एन एन माइनस टू फैक्टोरियल, इससे इसका अंतिम संस्कार कर दोगे तो आप कह सकते हो एन वन माइनस वन अपॉन में टू आएगा, राइट? यस सर। समझ में आया सबको, मन से आया समझ में, कैसे किया मैंने? यस सर। यस सर। तो ये हमने लिख लिया एन एन माइनस वन अपॉन टू, थोड़ी सी मेहनत और की तो ये हो गया एन प्लस वन अपॉन में एन, यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी मेहनत कर ली। तो मेहनत जब हम कर रहे हैं तो मुझे सब साफ साफ मालूम है ये n अपॉन वन है, ये टू अपॉन n n माइनस वन है, इस n से n का अंतिम संस्कार हो गया, ये बचा n प्लस वन अपॉन n। थोड़ा सा स्वाद अनुसार एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, अपॉन में n माइनस वन। ध्यान से देखोगे तो ये n प्लस वन का स्क्वायर हो गया और नीचे जो है n n माइनस वन हो गया। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। चलो बेहतरीन, अति उत्तम।
ये क्या हुआ भैया, घूम गया। अरे देखो ये मैजिक वाली चीज पता लगी अभी अभी। एक दो तीन चार पांच छह, हो रहा है, हो तो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इससे अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, और जब मैं क्वेश्चन लिखूं तभी आप पकड़ने की कोशिश करना। ये बताने किसके इक्वल होगा। आप लोगों के पास 5-7 मिनट का टाइम है, 5-7 सेकंड का, करो स्टार्ट। देखते हैं कितना सिंपलीफाई बना पाते हो इसे। किसी का हाँ सर कर रही हूँ, हो नहीं रहा। हुआ तो है थोड़ा, बता कितना हुआ, क्या क्या किया अब तक इसमें बता दीजिए बस। सर इसमें जो नीचे है उनके एलसीएम ले लेंगे तो वो C1 कट जाएंगे मल्टीप्लाई सारे, तो फिर ब्रैकेट में बचेगा C0 प्लस C1, C1 प्लस C2, अच्छा CN प्लस CN। देखो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे भी देखो इस वाले पार्ट का कुछ होना नहीं था, करना नहीं था, मेरे से ये ऐसे रहने था। मेन काम था यहाँ पर, ये वन होता है C0, ये वन होता है ये N होता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो ना। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ अगर आप गौर से देखोगे, थोड़ा सा गौर से देखो, तो पता नहीं क्यों आपका, मुझे मालूम नहीं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिखाई देगा। क्या आपको भी ऐसा दिखाई दे रहा है? सोच समझ के बोलना। दिख तो रहा है ऐसा ही दिखेगा ना, और यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। अगर तुम इसे ओपन करोगे कैलकुलेट करोगे तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और एफर्ट लगाऊंगी तो सेम है, थोड़ा सा एफर्ट लगा के मैंने एलसीएम ले लिया, अपॉन में एन हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही किया मैंने, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n अपॉन में n n माइनस 1। एम आई राइट? बोलो हाँ, बोलो। समझ आया नहीं आया ये बात? आ गई सर समझ।
चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट एन प्लस वन अपॉन एन. यहाँ की बात करो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन एन प्लस वन. एम आई राइट? अभी समझ आई ये बात? मैं स्टेप खा रहा हूं, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं. तो यार नोटिस करने वाली बात यह है कि ऊपर n प्लस वन आ रहा है और नीचे जो है हर टर्म से एक कम टर्म आ रही है. इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा n प्लस वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस टू. इसका मतलब यहाँ पर n प्लस वन और यहाँ पर n माइनस थ्री आ जाना चाहिए. क्या समझे इस बात को? क्या समझे इस बात को बताओ? यस सर. अच्छा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सी जीरो से स्टार्ट हुआ है, मानी सी वन से स्टार्ट हुआ एक्चुअली, और कहाँ तक गया? सी एन तक गया. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि एन प्लस वन जो है एन टाइम्स थे, लिख सकता हूँ? यस सर. यस सर. भाई एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन तो सबकी एक पावर लगा दी. नीचे वाले टर्म क्या बेटा? करे इसके ऊपर वाला लाइन, ये वाला है, ये वाली नहीं इसके नीचे ये. हाँ. मैंने कैसे लिखी है n प्लस वन अपॉन n, n n प्लस वन अपॉन n से n कट गया तो ये n प्लस वन आ गया. इससे अगली टर्म क्या होगी मैंने ये पूछा है. मैंने रिदम पकड़ा ऊपर n प्लस वन आ रहा है सब जगह, तो मैंने n प्लस वन लिख दिया आंख बंद करके. नीचे रिदम पकड़ा कि यहाँ पे जितना भी उससे एक कम आ रहा है, ये कम आया ना, इसका मतलब उससे अगला एक और कम. कम नहीं आ रहा n प्लस वन से, दो कम n माइनस वन. एन है और ये एन माइनस वन है, ध्यान से देखो एन और एन माइनस वन, इससे कम आ रहा है, इससे इस वाले से कम, ना कि ऊपर वाले से. अच्छा ठीक है. हाँ है ना. तो एन एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर. जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कोई कहे एन फैक्टोरियल को ओपन करो तो क्या आता है? एन एन माइनस वन, नीचे एन फैक्टोरियल आ गया, ऐसा कुछ आएगा. बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा. तो नीचे क्या आ गया, समझ आया? बोलो हाँ. हाँ तो ये तो सारा सेम ही लिखा है, इसमें कुछ करना नहीं है. और ये मल्टीप्लाई, तो यही आंसर लाना था बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था. दैट्स इट. क्लियर है? बढ़ जाए आगे. ओके सर. ओके चलो अगला क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पर, सोच समझ के बताना, मुझे उम्मीद है कि तुमसे नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग नहीं कर पाओगे. तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी उम्मीदों को तोड़ दो, लेकिन अब पता नहीं तुम लोग तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे. 18 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25 अपॉन में, फिर लिख रहा हूं मैं कुछ, मैंने लिखा 3 की पावर 6, 6 इंटू 2 इंटू 2 43 प्लस 15 इंटू 81 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 27 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 9 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 32 इंटू 64. इसको सिंप्लीफाई करना है ये क्वेश्चन, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो या नहीं. सर दो मिनट दो, दो मिनट दे दिए पूरे. भावना हेलो, दो मिनट दे दिए, चलो दिए पूरे दो मिनट करो. Thank you.
सर बनाएगा बनाएगा आंसर बना के इधर मतलब तुम मेरी उम्मीदों पे एक मिनट सर तोड़ दी सर 25 टूटेगा इतना समझ आ गया अच्छा मतलब आस और आस्था दो चीजें होती हैं आस और आस्था आस मतलब होप और आस्था मतलब भरोसा ट्रस्ट तुम लोगों ने मेरे दोनों ही तोड़ दिए है ना चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसी तोड़ोगे तो टीचर को खुशी होती है इसका मतलब तुम लोगों ने बिल्कुल सही किया जिसने भी किया है जिसने नहीं किया वो बच्चा देखे ध्यान से क्या है शाबाश बहुत खूब इसका फॉर्मूला देखा होगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए बी एंड ए प्लस बी देखा है ऐसा फॉर्मूला अरे बोलो ना चलो अच्छी बात है अब देखो यहाँ पर तो यहां से मैंने देखा इसको 18 की पावर क्यूब 7 की पावर क्यूब 3 18 इंटू 7 18 प्लस 7 क्या आपको दिखी है ऐसी चीज सर दिख गई 3 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 दिखा या नहीं दिखा ये प्लस है यहाँ पे दिखा कि नहीं दिखा दिखा 2 की पावर 64 टूट जाएगा एक चीज और देखो 6 15 20 15 6 एक एक पास्कल ट्रायंगल याद आया हमें 1 6 15 20 15 6 1 इसका मतलब पावर कितनी हो रही होगी 6 हो रही होगी इसका मतलब ये लिखा हुआ था 18 प्लस 7 की पावर क्यूब और नीचे लिखा हुआ था 3 प्लस 2 की पावर 6 इसका मतलब 18 और 7 25 की पावर 3 और ये 3 और 2 5 की पावर 6 थोड़ा सा एफर्ट किया तो 5 की पावर 6 5 की पावर 6 अंतिम संस्कार आंसर कितना आ गया 1 कितने बच्चों ने कर लिया था सभी बच्चे एक बार हाथ उठा के मुझे बता मैंने 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 किसने मैंने मैंने कौन है ये मैंने वाला दिवेश दिवेश ने ओके ईशांत हुआ था बेटा तेरे से फिर मैंने भी ठीक है इसी का कर लिया था ठीक है और वो जो दूसरी वाली का है क्या नाम है उसका मानसी तेरे से हुआ था बेटा नहीं सर तो देखियो इसको रिवाइज करियो ठीक है और सिद्धार्थ सर ऊपर वाली टर्म कर ली थी नीचे वाली अच्छा कोई बात नहीं तो ऐसे तो ऑब्जर्व करना होता मैंने पास्कल ट्रायंगल बताया इसलिए था यस और सर क्या नाम है विशेष गोल तुझसे हुआ था बेटा नो सर नहीं हो पाया था अभी हो गया सर लेकिन अभी हो गया अभी हो गया वो दुर्गापुरी है ना दुर्गापुरी में एक वो है गोयल साहब गद्दे वाले गोयल साहब गद्दे वाले मैं जब भी विशेष गोयल का नाम सुनता हूँ मेरे दिमाग में सबसे पहले गोयल साहब गद्दे वाले आते हैं ये रहता भी शायद वहीं गई है विशेष वहीं रहते हो तुम कहीं दुर्गापुरी के साइड नो सर बहुत देर रहता हूँ बहुत देर पड़ गया तुम कहाँ रहते हो मजपुर में ये सर सर आगे जाके मजपुर के आगे जाके गोंडा के आगे जाके कहाँ पर गोंडा के आगे कहाँ सर गोंडा के आगे सर सीलमपुर नहीं है हाँ सीलमपुर से पहले सीलमपुर से पहले क्या पड़ता है इसका मतलब वो गांधी हरिजन स्कूल जो है वहाँ पर गांधी को सीनियर सेकेंडरी स्कूल यस सर उसी गली में चल तेरा तो एड्रेस भी मिल गया
किसी दिन मौका मिला वहां के वहीं आगे लट्ठ बजाऊंगा तुम्हें, पिताजी के सामने इंजीनियर बनाऊंगा तुझे। चलो आगे चले। यस सर। एक गंदा सा क्वेश्चन ओपन करते हैं, ठीक है? गंदा सा क्वेश्चन ये है, मैंने बहुत सिलेक्शन है मेरे पास क्वेश्चंस का, तो मेरा अगला गंदा क्वेश्चन ये है। लिख रहा हूँ मैं, 11 हो गए, 12वां जो है कंप्यूटर जी, 12वां क्वेश्चन दिया जाए मुझे। तो क्वेश्चन है मेरा इवैल्यूएट, अरे यार इवैल्यूएट क्या है क्वेश्चन, 1.0025 की पावर 10 अप टू 5 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल आपको फाइंड करना है। बताइए क्या करें, कैसे करें, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। 5 डेसिमल समझते हो, पॉइंट के 5 डिजिट तक जाना चाहिए बस, इससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। बताओ, ऊपर तो 10 लिखा हुआ है, तो देखो सिंपल सी बात यह है कि क्या मैं इस पार्टी को 1+0.0025 लिख सकता हूँ या नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो 1 की पावर 10 लिख दूँ, फिर 10 लिखूँ, 1 की पावर 9 लिखूँ और 0.0025 की पावर 1 लिखूं और इसी तरीके से ओपन करूं, यस और नो में आंसर दो। यस सर। यस यस सर। अच्छा ठीक है, तो एक स्टेप और ओपन कर लेंगे। चलो छोड़ो, नहीं कर रहे ओपन, ये 1 ही रहेगा, ये 10 रहेगा, ये 0.0025 रहेगा प्लस इस तरीके से। अगर ये इससे भिड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा, ठीक? यस और नो? यस सर। तो इसको आप समअप कर दो, 1+0.025। अच्छा उसने 5 डेसिमल कहा था, तो हम एक दो टर्म और ओपन कर सकते थे। हम क्या लिखते, 10C2 यानी कि 10 × 9, 8 फैक्टोरियल कट गया होगा, 2 दो पंजे 10, तो 5 × 45, तो यहाँ पे एक टर्म आ जाती 45। 1 का कोई मीनिंग नहीं था और यहाँ आ जाता 0.0025 की पावर 2 आ जाता, ठीक। जरूरत पड़ती तो यहाँ से हमें कुछ मिल जाता, कितना मिल जाता, 45 × 0.0025 की पावर स्क्वायर। तो यहाँ से जो टर्म आती इसी को सॉल्व कर लेते, ज्यादा सॉल्व ही नहीं करते, तो 5 डेसिमल हो जाता, क्योंकि 3 डेसिमल तो इसमें भी पड़े ही हैं। इसमें कितने हैं, 3 डेसिमल इसमें हैं, तो 2 यहाँ से जाते तो 5 हो जाता। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज ग्रेटर। क्या पूछ रहा है, विच वन इज ग्रेटर क्वेश्चन है। वन इज ग्रेटर और टर्म है 99 की पावर 50 और 100 की पावर 50 एंड 101 101 की पावर 50। आपको बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है? बता पाओगे क्या, कैसे बताओगे यार? 100 - 1 और 100 + 1 कर लेंगे सर, ऐसे yes, तो ब्रेक करना है। अच्छा मतलब तुम ये कह रहे हो कि 100 - 1 और 100 + 1 कर लो, और 99 क्या करोगे? सर फिर आगे से सॉल्व करना पड़ेगा ना। अच्छा देखो, चलो देखते हैं तरीका होता है इसका। 99 की पावर 50 है, इसको लिख सकते हो आप 100 - 1 की पावर 50, ठीक। तो इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई, 100 की पावर 50 तो यहाँ पे कंफर्म आएगा ही आएगा, और एक माइनस आएगा। माइनस आप क्यों आएगा ये आपको पता है, ठीक है? yes. अगली टर्म कितनी आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 100 आएगा ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। इनटू 100 की पावर 1 आएगा आएगा। यस सर। बोलो, ठीक है, और 1 की पावर 49 आएगा, यस और नो? बोलो हाँ या ना।
आपके तो उल्टा नहीं होगा, उल्टा लिख दिया सर आपने शायद से। सब उल्टा अंकी लिख पर दिया। बनाएगा और 100 के पर 49 आएगा। सर हम भी कंफ्यूज हो गए। पावर एक्सचेंज कर देना बस। लो पावर एक्सचेंज कर देना। तो भाई 50 थी तो अभी 49 हो गई, और यहाँ तो कुछ भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक टर्म और ओपन कर लेते हैं, करें भी या नहीं करें ओपन, बताओ बताओ। सर काम हो जाएगा शायद इससे। ठीक है मैं तो रिदम बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैं एक टर्म ओपन भी कर लूँ तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल 150 फैक्टोरियल अपॉन में समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है एनीवे मैं नहीं कर रहा। और लास्ट में हमारा कहीं यहाँ पर आ जाएगा 99, यानी कि 1 की पावर 50। और 50 जो है इवन नंबर है ऑड नंबर? सर इवन नंबर। इवन नंबर तो प्लस लगा दूं फिर। ठीक है इसी तरीके से अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 तो मेरे पास पड़ा ही है, 100 की पावर कितनी है 50। इसको ओपन कर सकता हूं मैं किसी तरीके से क्या? इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 100 इनके मिड में, 101 के और 99 के बीच में है, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ 101 की पावर 50। ठीक है इसको ओपन करता हूँ। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 यानी 100 प्लस 1 की पावर 50। यहाँ आ जाएगा 100 की पावर 50 प्लस 100, 100 की पावर कितनी हो जाएगी 49 इंटू 1 प्लस और लास्ट में हो जाएगा 1 की पावर 50। ठीक है यस और नो? यस सर। इसे ऐड करेंगे? ऐड नहीं माइनस करो। माइनस से सर ये मान ले, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। अगर मैं बी माइनस ए कर देता हूँ देखिए क्या होगा, तो 100 की पावर 50 माइनस 99 की पावर 50 इक्वल टू इसमें से ये जाएगा क्या हो गया 101। हाँ ये 101 है। हाँ 101 है ये। तो इसमें से ये जाएगा क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया। हाँ यस सर। अब बताओ अगली टर्म क्या आएगी इसमें से, अब क्योंकि माइनस कर रहे हो तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 200 × 10 की 100 की पावर 49। एक तो भाई 100 कॉमन आ गया दोनों में से, ठीक यस, इनटू 2 कर लो या फिर सीधी सी बात है इनटू 100 की पावर 49 कर लो। और यहाँ पर ये भी माइनस हुआ होगा तो खत्म हो गया होगा। व्हाट आई कैन से श्योरली कि 101 की पावर 50 ये वाली टर्म अगर इधर चली जाए तो क्या हो जाएगा 99 की पावर 50। ठीक यस और नो? यस यस सर। एक चीज और बताओ, ये 100 की पावर 49 है ये, या यहाँ पे देखो 100 की पावर 49 है, ये 100 है, ये 100 की पावर 50 हो जाएगी। अरे वाह 100 की पावर 50 हो गया। ठीक है ऐसा कुछ हो गया। ओके अब आपको ये बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्या बता पा रहे हो आप? एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 1 तो माइनस साइन आएगा ही आएगा, ये बात कन्फर्म है। ठीक है 100 से 1 और ये माइनस, माइनस आ रहा है। हंड्रेड की पावर 50 अगली टर्म आप क्या हो गई 100 C1 यानी कि 100 की पावर 1 की पावर 1 माइनस साइन। एक चीज देखो जो हम शायद गलत कर बैठे, अगर मैं इनको प्लस करता तो कट जाते ये, अगर मैंने माइनस किए बी माइनस ए किए यानी ए माइनस ए किए
इसमें से ये माइनस किया तो ये कट गया, लेकिन इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये प्लस का आएगा। ध्यान दिया तुम लोगों ने? सर क्या ये मैंने नहीं किया, ये मैंने ये कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पे गलती कर रहे थे हम। हाँ सर आ गया आ गया, ये गलती कर रहे थे, मैंने b माइनस ए कराया है ना। यस सर। तो b b माइनस प्लस आएगा, तो ये प्लस आया। अब मुझे एक बात बताओ सर, नो सर कहाँ प्लस आएगा समझ नहीं। सर ने b माइनस ए कराया, हम a माइनस b कर देते हैं। ये देखो इस में से इसको माइनस किया खत्म हो गया, इस में से जब इसको माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? यस सर। अभी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है तो? यस सर। यस सर। देख ऐसे देख, ये कहीं पर लिखा हो 100, 100 की पावर 49, मुझे माइनस करना हो और माइनस की पहले से ये टर्म, अब बता माइनस माइनस प्लस होंगे कि नहीं होंगे? यस सर हो जाएगा, तभी ये वाला प्लस हुआ है। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि जरा देखना, 99 की पावर 50 और ये 100 की पावर 50 इनटू 2। अच्छा एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, ये और ये मिलके 2 टाइम्स हो गए। ठीक है, मुझे ये बताना था कि जो 101 की पावर 50 है वो बड़ा है ये वाला बड़ा है? अब सोच के बताओ मुझे। 101 क्योंकि ये 101 जो है इन दोनों के बराबर तो है ही है, साथ में ये बहुत सारी टर्म अभी बची हैं पीछे, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 101 की पावर 50 इज ग्रेटर देन 99 की पावर 50 प्लस 100 की पावर 50। क्लियर हो गया ये? ऐसे कुछ एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसमें इतना झोल नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे है वो, उसमें दो टर्म के साथ नहीं है, सीधा पूछा जाएगा कि 101 की पावर इतनी और 99 की पावर इतनी है, 100 की पावर इतनी, तो कौन सा बड़ा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ मैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी का, हमने जो जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी है उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें करूंगा। पहली बात करूंगा जनरल टर्म की बात, दूसरी टर्म बात करूंगा मैं इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक, तीसरी बात करूंगा मैं कोफिशिएंट्स, चौथी बात करूंगा मैं इंडिपेंडेंट हो गया, रैशनल हो गया, एनी टर्म, कोई भी टर्म की बात की जाए, पांचवी बात करूंगा मैं ऑड इवन टर्म। ठीक है, एक टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, चौथी टाइप, पांचवी टाइप। ठीक है, इनमें से किसी की भी बात की जाए, किसी की भी, हमेशा आपको एक ही चीज यूज करनी है, और वो ये यूज करनी है कि अगर टी आर प्लस वन इक्वल टू NCR A की पावर N माइनस R और B की पावर R। अब ये कहां से आया? ये आया जब A प्लस B की पावर N था। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? A की पावर N, N A की पावर N माइनस 1 B की पावर 1 प्लस प्लस B की पावर N। जनरल टर्म जब इसकी लिखी गई तो ये आई, जनरल टर्म मैंने पिछली क्लास में भी लिखवाई थी। Yes. तो आपको ये जनरल टर्म यूज कर देनी है, यूजली क्योंकि r प्लस 1 की फॉर्म में होता है, तो n c r a टू दी पावर n माइनस r x टू दी पावर r, ऐसे भी लिखी मिलती है कई बार आपको, ये जनरल टर्म। क्लियर है सबको? यानी कि जनरल टर्म पूछी जाए, इंडिपेंडेंट टर्म पूछी जाए, कोफिशिएंट का पूछा जाए, एनी टर्म का पूछा जाए, ऑड टर्म का पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, फॉर्मूला आपका हमेशा यही लगेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम बता देना ना कि टाइम कितना हो गया है, नहीं तो तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर हैं वो गुस्सा होते हैं कि मैं टाइम से नहीं छोड़ता। यस सर, केमिस्ट्री वाले सर भी टाइम से नहीं छोड़ते। अच्छा, वो भी टाइम से नहीं छोड़ते? तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद कोई क्लास नहीं होती ना, तो वो कर सकते हैं ऐसा। अब मेरे बाद क्लास होती है तो डंडा लेके खड़े रहते हैं वो, कई बार तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मुझे टोक देते हैं कि भाई छोड़ देना वरना बच्चे लेट आते हैं।
ठीक है, तो आज उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं आज टाइम से छोड़ दूंगा तो मुझे पार्टी करेंगे, अभी पार्टी देंगे मुझे। तो मैंने कहा पार्टी मुझे ही नहीं, पूरे ऑफिस को दो तो बात बने। तो फिर उनसे डील डन हो गई थी वो। ठीक है, तो आप लोग पूछते रहना उनसे कि सर पार्टी दी नहीं दी। अरे हमें भी तो दो फिर। तुम्हें तुम लोग जब मिलोगे तब देंगे। मतलब तुम लोगों को भरोसा नहीं हो पार्टी दे सकते हैं। एक एक कोई बच्चा कह रहा है कि वो ऐसे ही है, मतलब भरोसा नहीं है तुम्हें। सर 12th में मांगे हैं ऐसे ही रहेगा। भगवान जाने, अब तो भगवान पर डिपेंड करता है, तुम्हें भगवान चाहता है नहीं चाहता बुलाना। बुला लेना सर। हाँ पार्टी में बुलाएंगे, तुम लोग सिलेक्शन लोगे ना फिर पार्टी करेंगे उसमें बुलाएंगे। ओके ठीक है, चिंता मत करो। चलो अभी तो तुम्हारे लिए एक सर और आने वाले हैं मैथ्स से। मतलब सर आप नहीं पढ़ोगे? जो कॉनिक वाला सेक्शन है, स्ट्रेट लाइन वगैरह। अरे मैम ने बताया था मेरे को कि ये चैप्टर और तीन चैप्टर अलग से है जो दूसरे सर पढ़ाएंगे। हाँ तो मैंने कहा स्पेशलिस्ट जो टीचर है वो लगा देंगे उसमें। यस सर। आप नहीं पढ़ाते वो? दूसरे क्या? मैं पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ वो, लेकिन वो ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे इसलिए। नहीं एक्चुअल में क्या होता है कि कोई किसी चीज का स्पेशलिस्ट है तो उससे करवा दो उस चीज को, और उनके पास टाइम है अवेलेबल है और मेरे पास थोड़ा टाइम शॉर्ट है। तो मैंने ट्वेल्थ में तो आप ही पढ़ाओगे ना? अरे ट्वेल्थ में भी मैं ही पढ़ाऊंगा, हम लोग दोनों पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो आगे कर ले बात। अब जनरल टर्म फिगर आउट कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन की। ठीक है इससे पहले कि तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर जो है डंडा लेके सिर पे खड़े हो जाए। क्वेश्चन कितने हो गए थे? 12 हो गए थे, 11 हो गए थे, 13 हो गए। 14 होगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड जनरल टर्म। मुझे क्वेश्चन दे रखा है 1 + 3x^7। इसकी आपको जनरल टर्म पता करनी है। मैं दो चीजें बताऊंगा इसमें, जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म, एंड फोर्थ टर्म, ये दोनों चीजें हमें निकालनी है। ठीक है अब कैसे निकाला जनरल टर्म और फोर्थ टर्म? अभी अभी हमने सीखा है कि कहीं पर अगर लिखा हो a + x^n तो इसकी जनरल टर्म हम लिखते हैं tr+1 nCr a^n-r और x^r। ठीक, तो जनरल टर्म मुझे लिखनी है इसकी। इसकी जनरल टर्म मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा tr+1 n, n कितना है 7, cr ही रहेगा, a की जगह पर कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 7 - r, x की जगह पर कितना है 3x, तो उसकी जगह पर r। इसको थोड़ा और ठीक से लिखोगे तो 7 cr और ये हो जाएगा 3 की पावर r और x की पावर r। ये हो गई आपकी जनरल टर्म। किसी को कोई एतराज है तो बोलो। ठीक है, जनरल टर्म का मतलब जनरलाइज करके वो टर्म्स को डाल दो वहां पे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अब मैं आपसे पूछ लूं फोर्थ टर्म, क्या पूछ लूं? थर्ड से शुरू करेंगे। Yes, you are absolutely right. तो अगर T4 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये क्या है? T3+1 है, और अगर 3+1 है इसका मतलब R की वैल्यू कितनी पता लग गई आपको? 3 पता लग गई। तो इसका मतलब ये जो है इसमें पुट कर दो R7C3 3 की पावर 3 एंड x^3 पुट कर दिया, सॉल्व किया, 7 factorial upon 3 factorial 4 factorial और ये 3 की पावर 3 और x^3। एक स्टेप और आगे चले गए 7 6 5 और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 3 2 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू x^3। तो 1 3 यहाँ से कम कर दो और 2 बचा 2 को थोड़ा सा यहाँ से कम कर दो तो हमारे पास बचा 7 × 3 × 5 × 3² और x^3। तो 7 × 5 = 35 इंटू 3 की पावर 3 हो गई वापस ये और x^3। तो इसकी मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग? नहीं कर पाओगे? हो जाएगी? दिस इज ऑल T4। ये क्या हो गई? T4 हो गई। ठीक है अब मैं एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ, उसमें भी हम ऐसे निकालेंगे। आपको याद है मैंने पीछे कहीं लिखवाया था एनी टर्म, ये लिखवाया था एनी टर्म। यस सर। एनी टर्म से मेरा मतलब था कोई 5th टर्म का है, कोई 7th टर्म का है, कोई 8th टर्म का है, कोई 9th टर्म का है, वो निकालना। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ खुद से मैंने कहा क्वेश्चन है 15 x प्लस
टू एक्स स्क्वायर क्या हो गया पेन को टू एक्स स्क्वायर की पावर फोर, इसकी जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म हमने लिख दी। मैं इसमें पूछना चाहूंगा आपसे कि मुझे ये बताओ टी थ्री कितना होगा, मुझे ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले जनरल टर्म लिखना, तो कितना हो जाएगा, फोर सी आर एक्स की पावर फोर माइनस आर एंड टू एक्स स्क्वायर की पावर आर। एक स्टेप आगे गए, फोर सी आर एक्स की पावर फोर माइनस आर एंड टू की पावर आर और ये टू आर। गधे और घोड़ों को एक साथ लिखा गया, तो जब गधे घोड़ों को एक साथ लिखा गया तो वो हमें ऐसे दिखने लगे, फोर माइनस आर प्लस टू आर। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। आई आई, चलो अब हमें क्या बताना है, टी थ्री बताना है। ये तो हो गई हमारी जनरल टर्म, टी आर प्लस टी थ्री बताना है, तो टू प्लस वन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोर सी टू टू की पावर टू एक्स की पावर फोर प्लस टू, तो ये हो गया फोर फैक्टोरियल। वैसे चार सी टू कितना होता है बताया किसी को, इतना ही होता है। यस सर। और ये एक्स की पावर क्या चीज, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, ये हो गई आपकी टी थ्री। कोई ऐतराज किसी को? नो सर। अगर आप इसको ओपन करते, ओपन करके जब फिगर आउट करते तो भी थर्ड टर्म यही आती, क्लियर है? यस सर। चलो ओके, आगे बढ़ रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। टाइम बता दे रहे ना मुझे, अभी तो 5:27 हुए, अभी तो बहुत, अरे बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 15। 16वां क्वेश्चन देखिए। अब इसमें ना, इस क्वेश्चन को जो मैं करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें निकाल लूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर पांच। तो मैं इसमें पूछना चाहूंगा सबसे पहले आपसे जनरल टर्म, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं पूछना चाहूंगा फोर्थ टर्म, तीसरे नंबर पर पूछना चाहूंगा सेकंड टर्म, चौथे नंबर पर मैं पूछना चाहूंगा इंडिपेंडेंट टर्म, और पांचवें नंबर पर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है। तो मैं इतनी सारी चीजें पूछूंगा इसमें, क्या सारी कवर हो गई? कोफिशिएंट हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ऑड इवन तो मैंने अभी बात की नहीं है, तो उसकी नहीं पूछूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जनरल टर्म लिख दे रहा हूँ। जनरल टर्म हो जाएगी टी आर प्लस वन, दैट इज फाइव सी आर एक्स फाइव माइनस आर एंड वन अपॉन एक्स की पावर आर। ये हो गए जनरल टर्म। थोड़ी सी मेहनत की तो फाइव सी आर एक्स की पावर 5 माइनस आर और एक्स की पावर माइनस आर। थोड़ी सी और मेहनत की तो 5 सी आर एक्स की पावर 5 माइनस आर माइनस आर। तो ये हो गया 5 सी आर एक्स की पावर 5 माइनस 2 आर। ये क्या हो गया भाई, जनरल टर्म। तो पहला क्वेश्चन हो गया डन, क्लियर है भाई? यस सर। पहला क्वेश्चन डन। आप पूछा उसने दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कहा उसने T4, T4 का मतलब हो गया 3 प्लस 1, इसका मतलब हो गया 5C3 x की पावर 5 माइनस 2 इंटू 3, यानी 5C3 कितना होता है बताया तुम लोग, 10 होता है 10। हाँ, और ये हो गया माइनस 1, तो ये हो गया आपका T4। अब आपसे पूछा गया T2, तो T2 का मतलब है T1 प्लस 1, इसका मतलब 5C1 और x की पावर 5 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 5 x की पावर 3। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट की बात करें, इसको जरा ध्यान से देखना।
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हो गया जब एक्स की पावर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी एक्स का सामान है इस जगह पर, ये इसको एक्स की पावर फाइव माइनस टू आर को कंपेयर करना होता है एक्स की पावर जीरो से, क्योंकि हमें वही चाहिए होता है एक्स की पावर जीरो। तो एक्स से एक्स का अंतिम संस्कार हो गया फाइव माइनस टू आर हो गया इक्वल टू जीरो हो गया, आर इक्वल टू कितना हो गया फाइव अपॉन में टू, ठीक है। अगर ये नॉन फ्रैक्शनल आ जाता तो आप आंसर करते, अब ये फ्रैक्शनल तो फ्रैक्शन में आ गया, हाँ तो आप आंसर नहीं करोगे, ठीक है। तो यहीं पे बात खत्म हो गई। अब एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पर r इक्वल टू तीन आ जाता, तो कुछ नहीं करते, इस तीन को उठा के जनरल टर्म में रख देते। जब आप जनरल टर्म में रख देते इसमें, तो यहाँ पे अपने आप x की पावर जीरो बन गया होता यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो बस कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन आएगा इसका तो मैं कराऊंगा, अभी तो नहीं है मेरे पास, आएगा तो मैं करा दूंगा इसका, आएगा मेरे पास होते ही है। तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसी टर्म जिसमें एक्स की पावर जीरो हो जाए, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया आपके सामने, ये देखो ये लिख रहा हूँ वन प्लस एक्स की पावर फोर, ये लिख दिया, ठीक है। मैं अगले उस पर कराते हूँ, वन प्लस एक्स की पावर फोर, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है मुझे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मैंने कहा बहुत आसान है, सबसे पहले जनरल टर्म निकाली, जनरल टर्म होगी फोर सी आर, वन की पावर फोर माइनस आर और एक्स की पावर आर, अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से दैट इज फोर टी दैट इज एक्स टू द पावर आर। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है, इसका मतलब एक्स की पावर जीरो इक्वल टू एक्स की पावर आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। मैं अब इसमें ये जीरो पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन दैट इज फोर सी जीरो एक्स टू द पावर जीरो, ये क्या हो गया वन हो गया, ये क्या हो गया, ये भी वन हो गया, क्या आया वन। क्या इस वाले को जब आप ओपन करते तो क्या यही आता, देखो ध्यान से, वन की पावर फोर प्लस फोर और एक्स की पावर थ्री सिक्स, एक्स की पावर टू फोर एक्स प्लस एक्स की पावर फोर, क्या ये आता कि नहीं आता, आता ये यस सर। एक्स के बिना कौन सी टर्म है, ये वाली, क्या यही आया यहाँ पर, यस सर। समझ गए मेरी बात को, समझ गए, यस सर। नहीं समझे तो एक और देखो, चल आ गया समझ, देख ले पक्का, ये देख लो, चलो यस सर, एक्स प्लस सेवन आ गया, मान लो एक्स प्लस सेवन की पावर फाइव आ गया। सबसे पहले जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म कैसे निकलती है, 5CR x की पावर 5 माइनस r और 7 की पावर r, ठीक। हमें इंडिपेंडेंट निकालनी है, तो हम x की पावर 0 से कंपेयर करेंगे, x की पावर यहाँ पर जो कुछ भी है, जो कुछ भी होगी यहाँ पर, मतलब जितने भी x होंगे सब एक्युमुलेट करोगे और उसके बाद जो कुछ बन के आएंगे उनको कंपेयर करोगे, तो यहाँ से आपको मिल गया r बराबर 5, क्या क्लियर है ये बात, बोलो हाँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 5c5 x to the power 5 minus 5 और 7 to the power 5, क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 7 की power 5, तो ये आया आपका independent term, x की power 0 इसका मतलब independent term। अगर मैं इसको general भी open करता तो क्या आता, x की power 5 plus plus 7 की power 5, ये इकलौती ऐसी term होती जो without x होती, क्या ये बात clear है, समझ गए independent term का मतलब क्या होता है, yes sir। चलो तो इसी बात के साथ खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नो सर, नहीं सर, जो मैंने टेलीग्राम में डाउट भेजा था उसका 310 आ रहा है मेरा, एक मिनट लेट मी चेक, कौन सा वाला भेजा था, कब भेजा था सर, जो कल पेपर में आया वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ, ठीक है, 2019 जेई 2019 का, जिसमें ग्रेटर और लेस बताना था। नो सर, 421 में जो डिजिट दी हुई थी स्ट्रिक्टली उससे ग्रेटर ही बनाना था जो नंबर है। अच्छा चल मैं बता दूंगा, मैं वीडियो में बता दूंगा, ओके ओके। चलो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, केमिस्ट्री क्लास लो और उनसे कहना फोर्स करना पार्टी देने के लिए उनको, ओके सर, ओके सर, बाय। बहुत कंजूस आदमी है, इससे सही कर, सही कर रहा हूं, तुम्हें कैसे पता, पता नहीं सर, सर ऐसे ही हैं सर, वो पार्टी देते नहीं, उनसे मांगी थी पार्टी, पार्टी नहीं दी उन्होंने, उन्होंने कही थी कभी मिलेंगे तुमसे पार्टी करें, कहता न्यू ईयर पे हम लोग भी पार्टी नहीं करते। अच्छा चलो, बहाने मारते रहते हैं, हां बहाने तो मारते रहते हैं,
आज छोड़ना मत, आज उनको फोर्स करना है, इतना फोर्स करना कि क्लास खत्म होने के बाद मुझे पार्टी दे दें वो, ठीक है? चलो बाय बाय, बाय बाय, गुड इवनिंग सर।